अब बात करेंगे निकाय चुनाव की जंग की। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम लोक लुभावन वादों के साथ अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के 46 शहरों में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। राज्य में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं इन सभी निकायों में वोटों की गिनती 22 जून को की जाएगी। खैर, ये तो था निकाय चुनावों का पूरा शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं तैयारियों की। राज्यसभा चुनाव खत्म ही हुआ कि अब राजनीतिक पार्टियों के लिए निकाय चुनाव सर पर है। निकाय चुनाव के रण को भेदने और जीत पाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, और करे भी क्यों ना। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा, और चुनाव दर चुनाव पार्टियों का कद भी तो बढ़ता है। जहां पहले बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की घोषणा के बाद साफ है कि बीजेपी जेजेपी अब साथ में निकाय चुनाव में उतर रही हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तैयारियों में कितनी आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीजेपी ने सबसे पहले अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे वो। चलिए आप नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र। सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण। जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे। शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। लैंड पुलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।